This is amazing! Completely worth it! Today was not planned actually, it was a very random thing. Very, very random. इतना अच्छा लग रहा है सुन के। Humanity still exists. पीछे चेकिंग था पुलिस का, एक टर्निंग पे काफी कॉप्स रुके थे और चेकिंग चल रही थी वहां पर। हम लोग वहां से निकले और सामने से ट्रिपल सीट एक मोटरसाइकिल वाला आया। वो उधर से पहुंचने के पहले ही मैंने उसको चिल्ला के बोल दिया मामा है और उसने यू टर्न ले लिया। क्योंकि जिंदगी में इतना चालान कटा है ना मेरा, मुझे पता है वो कैसा फीलिंग आती है जब चालान कटता है, वो भी बड़ा वाला। तो हेल्प पीपल इफ यू कैन। बोबदेव घाट के भी आगे, इसके पहले मैं बोबदेव पर आ चुका हूँ, उसका व्लॉग बनाया है मैंने, इसलिए आज मैंने वो रास्ते आपको दिखाए नहीं है। मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ आकाश, कॉलेज फ्रेंड, लास्ट टाइम भी आया था लेकिन व्लॉग बनाने मुझे हुआ नहीं। लग ही नहीं रहा है कि मैं सिटी एरिया में हूँ। इट्स अ विलेज ओवर हियर एंड आई हैव नेवर कम हियर बिफोर। इट फील्स कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा लग दिया है पुणे छोड़ ही दिया है मैंने। प्रिटी अमेजिंग, फार्म्स एवरीवेयर, ट्रैक्टर्स, यस एग्जैक्टली, इट्स ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, लवली। या सो वी हैव पैक्ड अ बाइक समवेयर, हम थोड़ा सा वॉक लेने वाले हैं। काफी रिफ्रेशिंग एरिया है ये, फुल, इट्स अ प्रॉपर विलेज ओवर हियर, एज एन सेमी विलेज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह भी है, थोड़ा डेवलप्ड है बट इतना नहीं। इट्स लाइक फार डिफरेंट फ्रॉम दैट सिटी लाइफ दैट वी आर लिविंग इन। सो एक मंदिर है यहाँ पर, मंदिर है। हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड टूर करना है, पूरी दुनिया घूमनी है। अब रियलाइज हो रहा है पुणे में रुक के मुझे पुणे के ही सारे एरिया नहीं पता है। आई हैव बीन मिसिंग आउट ऑन सो मच। आकाश है बाय द वे, मैंने बोल दिया नाम तेरा? पता नहीं। या सो ही इज आकाश, ही इज माय, हाथ तो मिला दे भाई। तो ही बाल सेट कर रहा हूं यार। मेट हिम इन कॉलेज ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। एक्चुअली स्टार्टिंग के दो साल हम लोग ने बात ही नहीं किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में इतने अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, उसका भी रीज़न है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने कॉलेज ही अटेंड नहीं किया था, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। थर्ड ईयर में वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड हियर वी आर नाउ। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। वो भाई ने स्पेशली आज के दिन के लिए टंकी फुल करवा ली अपनी, क्योंकि उसे यहाँ पर आना था। और एक तरीके से अच्छी बात हो, क्योंकि मुझे भी पहली बार देखने मिल रहा है ये सब। ऑल्सो जाते वक्त, एक्चुअली आते वक्त मैंने बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स देखे जहाँ पर अपना बेसिक खाना जो मिलता है, वड़ा पाव वगैरह मिल रहा था। तो हम लोग शायद से जाते टाइम वहाँ पर रुक के कुछ खा लेंगे। आस्तिक, नास्तिक, सार्कास्टिक, यस। ओके, सो वी ट्रैवल्ड अराउंड, आई थिंक कितना किलोमीटर हो गया रहेगा ब्रो मेरे घर से? 5? नहीं नहीं उससे ज़्यादा। ओके, अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स। तो हम लोग ने यहाँ पर होल्ड किया है, बट मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा आगे भी जाना है। सो जाना है? मैंने बोला तो बोला, चलो। ओके, चलो आपको ले चलते हम। इट्स गोना बी अ फन राइड। आगे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे। वहाँ पर मैंने एक बहुत सही चीज़ देखा है, वाटर, क्या बोलते क्या यार उसको, मैं उसका नाम भूल गया यार। आई एक्चुअली फॉरगॉट व्हाट्स दिस कॉल्ड। प्लीज अगर किसी को याद है, किसी को पता है, कमेंट कर दो। आई नो इट साउंड्स रियली स्टूपिड बट भूल गया हूँ यार। बारिश होने वाली है, सो वी वोंट टेस्ट इट, थोड़ा आगे जाके हम रिटर्न आ जाएंगे।
ओके सो मेरे दोस्त को एक बादल दिख रहा है जो अपेरेंटली टट्टी जैसा दिख रहा है उसका, एज इन द इमोजी किधर है? ओ अरे हाँ, अरे हाँ, अरे आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, ओ दैट इज एक्चुअली पूप इमोजी। 2020 इज ऑफिशियली टट्टी, इट्स ऑफिशियली पूप। ओके सो इट जस्ट लुक्स लाइक मोर ऑफ द विलेज एरिया अहेड, सो हम लोग यू टर्न ले रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर आगे अगर आप जाते हो, देयर इज वन रोड विच लीड्स टू अनदर घाट, अनदर माउंटेन, जो मेरे भाई ने मुझे बताया है, बट वी कैन नॉट फाइंड दैट रोड फॉर सम रीजन। मे बी इससे भी आगे है, लेकिन आज के लिए इतना ही ट्रैवल करेंगे हम। अब हम रिटर्न जा रहे हैं जहाँ से आए थे, और कहीं पर रुकेंगे कुछ खाने के लिए। जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं यहाँ पे, इट्स लाइक यू नो ऑल होम ग्रोन ओनली, उनका खुद का फार्म का ही बेच रहे हैं ये लोग। रियली वांट टू बाय दिस एंड कुक इट एंड टेस्ट दिस वन, इवन इफ दीज वेजिटेबल्स आर लाइक यू नो जस्ट गोना टेस्ट द सेम जो बाहर के मार्केट में मिलता है, आई वुडंट माइंड, क्योंकि वो मेरा होम ग्रोन जो था ना काकरोल, उससे तो हज़ार गुना बेटर होगा। आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज एंड स्कार्ड बाई दैट टेस्ट ऑफ दैट काकरोल। एक छोटा सा हट मुझे दिखा सामने, अच्छा लग रहा है वो, बट आई डोंट नो इफ इट्स अलाउड ऑन। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है, इधर किसी का तो रखा हुआ है ब्रो वेजिटेबल। दिस व्हाट इज दिस, ट्विग्स लुकिंग लाइक ट्विग्स केप्ट टू ड्राई ऑफ। अरे ये तो अपना सादा ये रे बुशेज है। ओ वाओ देयर इज अ मंदिर। वाओ द एको, इतना अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत ज़्यादा शांति है यार, बहुत पीस है। यू नो गाइज यू शुड रियली, ओ दैट्स अनदर वन, यू गाइज शुड एक्चुअली टेक अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम योर डेली लाइफ्स एंड एट टाइम्स कम एट सच प्लेसेस। अलग फीलिंग आता है। यो गोट व्हाट्स अप, याद है क्या लास्ट टाइम वो CTC पे एक गोट ने तो मेरे को अटैक किया यार, ऑलमोस्ट अटैक किया। फाइनली सम फ्रेश एयर विदाउट दिस पीस ऑफ क्लॉथ ऑन माय माउथ। इट्स स्टार्टेड टू ड्रिजल अ लिटिल बिट, बट अभी भी थोड़ा ओपन क्लाइमेट ही है, फ्रेश एनवायरनमेंट है, सो हम लोग अभी निकल जाएंगे। आई जस्ट कीप क्वाइट फॉर लाइक 5 seconds, यू गाइज विल अंडरस्टैंड कितना पीसफुल साइलेंस है यहाँ का। सिंपल थिंग्स रियली गिव यू पीस। एनी वे इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम योर, चलो भाई निकलते हैं, कोई आ जाएगा हकाल देगा हमको खाली फुकट। इट्स स्टार्टेड ड्रिजलिंग अ लिटिल बिट, इट्स नॉट दैट बैड, ऐसा एक्चुअली अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा वो बारिश। This is amazing! ठीक है चलो चलो चलो। ओके थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ तो वी आर प्लानिंग ऑन वेटिंग फॉर सम टाइम। दो समोसा दे देना। बैठ जा भाई बैठ जा। This guy, this poor guy is filling his examination form. Actually, I am also a poor guy क्योंकि मुझे भी भरना पड़ा। Exams are taking place online and well, this ride just gave me a motivation to carry on with my life. Samosa bhi do, dhokla bhi de dena abhi ke liye. Akash, chalo kha lete hai pehle. Bukhar ya sardi ke din usko aisa kar. Har mask. Pehle nikal diya. Mask ke saath hi khane wala tha main. समोसा बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था। वैसे मुंह पे से बहुत भूखे थे। हाँ भूखे भी थे और बारिश ठंडी, दिस एनवायरनमेंट एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एक मस्त राइड,
पीसफुल एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर, गरम गरम समोसे, ठंडे ढोकले, बट ढोकले काफ़ी टेस्टी थे। ओवर एंड ऑल वेरी गुड डे थैंक्स टू दिस गाय। ये नहीं आया होता तो आज का प्लान बना भी नहीं होता। अभी हम निकलने वाले क्योंकि बारिश काफ़ी कम हो गई है। सो आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, बट अगर आगे कुछ है तो आपको दिखा दूंगा।